हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज नेशनल में। मैं हूं आपके साथ संगीता जोशी। तो जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। और ऐसे में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रदेश सरकार है अलग अलग तरीके से पूरी सख्ती बरत रही है कि और साथ ही लोगों से अपील कर रही है कि जब बाहर जाएं तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और मास्क और सैनिटाइजर जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करें। लेकिन जनता है बाज नहीं आ रही और जिसके कारण आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन अब खबर महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र पहले से ही सबसे ज्यादा प्रभावित था कोरोना को लेकर, सबसे ज्यादा आंकड़े वहां से आ रहे थे। ऐसे में महाराष्ट्र के नासिक में जो प्रशासन है उसने एक नया नियम लागू किया है कि अगर आप बाजार निकलेंगे तो आपको ₹5 का भुगतान करना पड़ेगा एक घंटे के लिए। लेकिन अगर आप एक घंटे से ज्यादा का समय बाजार में गुजार देते हैं तो आपको ₹500 का जुर्माना लगेगा। और ये जो नासिक नगर निगम है, ये धनराशि नासिक नगर निगम इकट्ठा करेगी और इसका इस्तेमाल सैनिटाइजेशन में किया जाएगा और कोरोना से रोकथाम के जो अन्य प्रिकॉशंस हैं उसमें किया जाएगा। अब इस नियम के लागू होते ही जनता में कहीं ना कहीं एक बदलाव देखने को मिला है कि वो ₹5 भरना चाह रही है ₹500 का जुर्माना के बदले। तो आने वाले समय में क्या अन्य जो राज्य सरकारें हैं, प्रशासन है, उनको भी इसी तरीके के कोई कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और ये जो नासिक नगर निगम द्वारा ये जो नया नियम लागू किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी की तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए, कोरोना से जुड़ी अपडेट के लिए और ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। देखते रहें इंडिया न्यूज़ नेशनल।